नमस्ते तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर इस रिश्ते को लेकर लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है फटाफट फड़ लाइक कर दो ग्रेटिट्यूड सेंड कर दो यूनिवर्स में आई होप आपने लाइक कर दिया है फोकस करना है इस फ्लेम के ऊपर अपने पार्टनर के ऊपर पर्सन अगर विश्वास नहीं कर पा रहे थे आपके ऊपर तो आपके पर्सन का विश्वास आपके ऊपर होगा आप ठीक है आपके पर्सन एक एक रिग्रेटफुल एनर्जी में तो है कि काश इन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया होता अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया कुछ लोग यहाँ ऐसे कि आप बस स्पिरिचुअल हो आपके पर्सन मानते हैं जानते हैं इस बात को कि आप स्परिचुअल हो आपके पर्सन स्परिचुअल फील करते हैं आपके लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं जैसे कि आप दोनों की जोड़ी बनाई है वो देखो एक तो वो आपके साथ बहुत कंफर्ट फील करते हैं दूसरी बात इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता जैसे ईश्वर नहीं बनाया है इतनी जो खूबसूरत जोड़ी है आपकी इस इंसान को ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं बनाई है इस जोड़ी को इस वक्त अगर एनर्जी देखी जाए तो आपके पर्सन के बहुत सारे डिजायर हैं और वो चाहते भी हैं और वो चाहते भी हैं उनके सारे सपने पूरे हो जाए कुछ लोग हैं आप ऐसे कि आपके पर्सन को कोई एडिक्शन हो सकता है किसी एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं आपके पर्सन किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा किस इंसान को जैसे कि आपका ही एडिक्शन हुआ है वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी भी यहाँ पर है बहुत प्यार दिया इस इंसान को आपने लेकिन इस इंसान ने कभी भी आपको ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया है और अब इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि आपने तो कितना कुछ किया उसके लिए लेकिन उसने आपके लिए कुछ नहीं किया एक थैंकफुल एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन अभी भी आपसे इमोशनली कनेक्ट है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जैसे टेलीपैथी के जरिए आप दोनों की बात होती है हो सकता है कि इस इंसान के मन में क्या है आपको पता चल जाता है या आप पता करना चाहते हो हो सकता है आपके पर्सन भी जब भी वो अकेले होते हैं वो जानना चाहते हैं ठीक है थिके? जब भी वो अकेले होते हैं बहुत याद करते हैं आपको तो और जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है हो सकता है वो आंख बंद करके आपको याद कर रहे हो इस वक्त कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन जब भी आपकी याद आती है आंख बंद कर देते हैं और आपके साथ जो बिताए हुए लम्हे हैं उनको याद करते हैं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो लम्हे बिताए हैं इस इंसान ने वो इनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे हैं और वो बार बार उन लम्हों में जीना चाहते हैं उस पल को वो याद करते हैं जब आप उनके पास हो जब आप उनसे बातें कर रहे हो आपके पर्सन बहुत मिस करते हैं आपको अभी भी आपके पर्सन जैसे कि इमेजिन कर रहे हैं पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और जब भी वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं पुरानी बातों में जैसे खो जाते हैं जब भी वो आपको याद करते हैं आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो तो आपके लिए बहुत पैशनेट है लेकिन आप उतना पैशनेट नहीं हो इस इंसान को ऐसा लगता है वो तो कितना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए लेकिन आप में उनके लिए जो अट्रैक्शन होना चाहिए उनको ऐसा लगता है कि वो अट्रैक्शन उनको नहीं दिखाई देता वो पैशनेट उनको लगता है कि इतना ज़्यादा पैशनेट आप नहीं हो उनके लिए जितना कि वो है कुछ ऐसी बातें हैं कि वो कंपेयर तो कर रहे हैं आपको वो चाहे कुछ भी हो हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है लेकिन कुछ तो ऐसी बात है कि आपके पर्सन आपको कंपेयर कर रहे हैं खुद के साथ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते या तो पास्ट में आपने इस इंसान की कोई हेल्प कर दी है ठीक है और वो बातें इस इंसान को याद आती हैं या तो बहुत जगह इंसान आपसे कोई हेल्प मांगना चाहते हैं कुछ बातें है ऐसी है कि जैसे कि लैक ऑफ क्लैरिटी अगर थी आपके पर्सन के माइंड में तो ये क्लियरिटी आते हुए दिखाई दे रही है कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं आपका जो ट्रू नेचर है उनको ऐसा लगता है कि वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं आपकी पसंद आपकी नापसंद वो सब कुछ जानना चाहते हैं आप क्या पसंद करते हो आपको क्या पसंद नहीं है हर चीज़ आपके पर्सन जानना चाहते हैं किसी किसी के लिए वाटर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जब स्कॉर्पियो की एनर्जी आती है तो इमोशंस बहुत हाई होते हैं और कुछ बातें ऐसी हो सकती जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हो बताना तो चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं कुछ बातें ऐसी भी हो सकती कि आपके पर्सन आपको बताना तो चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं कुछ लोग आप ऐसे हो सकते कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब से आप उनकी जिंदगी में आई हो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं पर्सन को ऐसा भी लगता है कि वो सही रास्ते पर है कुछ लोगों के लिए कोई बुरी शक्ति भी हो सकती है कोई बुरी शक्ति हो सकती है जो शायद आप दोनों को एक नहीं होने देती है आपके पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं आपके पर्सन आपकी केयर भी कर रहे हैं आपसे बात भी करना चाहते हैं विश फुलफिलमेंट यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन की कोई विश है आपको लेकर और वो चाहते कि उनकी वो विश कंप्लीट हो जाए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो ंग ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी है यहां पर यहां पर है सिक्स ऑफ पैंटल्स टेन ऑफ वॉन्ट्स द लवर्स की एनर्जी यहां पर आ चुके हैं गाइस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहां पर है द हैंगमैन सबसे खूबसूरत बात यहां पर है कि क्वीन ऑफ कप्स भी है और किंग ऑफ कप्स भी है आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो प्यार की कोई कमी नहीं है यहां पर क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स ये जो जोड़ी है बहुत ज्यादा प्यार है दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इमोशंस ही इमोशंस है यहाँ पर और आपके पर्सन के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी हो सकती है घर परिवार की ज़िम्मेदारी हो सकती है जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर कोई ज़िम्मेदारी हो सकती है कोई ज़िम्मेदारी है या कोई दिल पर बोझ है कुछ तो ऐसा है जो इस इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता कुछ तो ऐसा है जो आपके पर्सन को अटका के रखता है जबकि वो खुद ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जो जिम्मेदारियां हैं इस इंसान के ऊपर वो भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि इंसान आपकी तरफ़ आने से ज़रा कतराते हैं हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि उनके घर परिवार की ज़िम्मेदारी उठाना उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है हो सकता है उनके घर के कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर उनका साथ होना उनके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए वो अपने फाइनेंस के ऊपर अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं हो सकता है इनके घर परिवार में आ, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए जिस तरह से आप एनर्जी है आपके पर्सन बैलेंस तो लेकर आना चाहते हैं जिस तरह से आप एनर्जी है आपके पर्सन वो सब कुछ आपको लौटाना चाहते हैं जो आपने दिया है वो चाहे वक्त हो चाहे प्यार हो पैसे लौटाने के बहाने वो वापस आ सकते हैं आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं उनको ऐसा लगता है कि आप तो गॉड गिफ्ट ही हो उनके लिए आप ईश्वर का दिया तोहफा हो उनके लिए और वो आपको ऐसे खो नहीं सकते प्यार तो बहुत ज़्यादा है एक नई शुरुआत भी चाहते हैं बैलेंस भी लेकर आना चाहते हैं जस्टिस भी चाहते हैं थोरस को कैप्रिकॉन कैंसर स्कोरपियो पाइसी हो सकते हैं दोनों भी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो दी लवर्स की एनर्जी यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्यार है और एंजल की ब्लेसिंग भी है और वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं कुछ बातें ऐसी है जो रोक रही है इस इंसान को उसके बावजूद भी वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं कि लिब्रा हो आपके पर्सन गो यहां पर आपको गो करने के लिए कहा जा रहा है कुछ लोग यहाँ पर बहुत उदास दिखाई दे रहे हो पुरानी बातों से आप लेट को नहीं कर पा रहे हो कोई परेशानी है जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं कोई छल कपट करने वाले लोग आपके आसपास हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बहुत परेशान हो एनजाइटी हो रही है रात को सो नहीं पा रहे हो आप खुद के मास्टर हो लेकिन आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है आप इतने टैलेंटेड हो कि आपको किसी से गाइडेंस लेने की भी जरूरत नहीं है और ऊपर से आप काबिल हो जो करना चाहते हो वो कर सकते हो अगर विश्वास रखते हो खुद के ऊपर तो जो पुरानी बातें हैं उससे लेडगो करना ज़रूरी है जब तक आप लेडगो नहीं कर पाओगे आगे नहीं बढ़ पाओगे कुछ लोग यहाँ परदेश जाना चाहते हो दुनिया घूमना चाहते हो मे भी कोई ऑनलाइन काम करता हो आप में से कुछ ऐसे एनर्जी हैं कि जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हो अगर आप अपने आप के ऊपर विश्वास करते हो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय